हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल मिठाई गुजिया, जिसे हम घर में ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर 2 कप, आधा कप मैंने यहाँ पे लिया कोकोनट पाउडर, 1 चम्मच लिए इलायची पाउडर, शुगर लिया है यहाँ पे मैंने 1 कप, आधा कप मैंने यहाँ पे कैशू लिए हैं नट्स, 1 चुटकी नमक ली है, घी 2 चम्मच लिया है यहाँ पे मैंने, और तलने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। अब हम इसे बनाने का स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे एक बॉल, बॉल में हम लेंगे मैदा जो मैंने 2 कप लिया है तकरीबन, इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक, और मोइन के लिए यहाँ पर मैंने लिया है घी लगभग 1 चम्मच। अब हमें इस सारे मिश्रण को अच्छे से मिला लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। अब हम स्टफिंग्स बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया एक पैन, पैन में मैंने लिया है 1 चम्मच घी। इसे हमें स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। अब मैं इसमें डालती हूँ कोकोनट पाउडर और इसे धीरे आंच में हमें सेकना है। अब मैंने यहाँ पे लिया रफली चॉप केशू नट्स और इसे अच्छे से मैंने मिला लिया है और धीरे धीरे कुक करते रहना है इसे हमें स्लो फ्लेम में। अब हम इसमें डाल रहे हैं इलायची पाउडर लगभग 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है और शुगर का पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और कुक करेंगे जब तक यह हल्का लाल रंग का ना हो जाए। अब हम बनाते हैं गुजिया। गुजिया के लिए मैंने मैदे के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और इसे हमें पूरियों की तरह बेल लेना है। अब हम इसमें डालेंगे स्टफिंग्स और इसकी एजिस को अच्छे से बंद कर लेना जिससे यह खुल ना जाए, और फोर्क की मदद से हम इसे डिज़ाइन भी कर लेंगे। इस तरह बड़ी सिंपल तरीके हैं। हमें इसे दोनों साइड भी करने हैं जिससे यह खुलने की संभावना ना रहे। आप देख सकते हैं ये दिखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा है। अब हम लेंगे पैन, इसमें मैंने तलने के लिए तेल ले लिया है। अब हम गुजिया को स्लो फ्लेम में रख के धीरे धीरे एक के बाद डालते हुए तलेंगे। इसे हमें लाल ना हो जाए तब तक हमें धीमी आंच पे ही इसे तलने हैं जिससे यह खस्ता और करारे बनेंगे। आप देख सकते हैं हमारी गुजिया रेडी हो चुकी है, सुनहरी लाल रंग की तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।